2016 प्रधानमंत्री के द्वारा काले धन पर नोटबंदी के रूप में सर्जिकल स्ट्राइक की गई। नोटबंदी की सालगिरह जहां सरकार ने एंटी ब्लैक मनी डे के रूप में जश्न के तौर पर मनाई, वहीं विपक्ष ने इसे एक इकोनॉमी के लिए एक काला दिन, एक राष्ट्रीय त्रासदी के रूप में मनाया। नमस्कार, मैं हूं नवजोत सूदन और आज इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री नदीम जावेद जी। नोटबंदी के एक साल पूरे होने पर सरकार इसे एंटी मनी ब्लैक डे के रूप में मना रही, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, पिछले साल प्रधानमंत्री जी ने नोटबंदी करते समय जो वायदे किए थे देश की जनता से कि हम नोटबंदी क्यों करने जा रहे हैं, उन्होंने बात करते हुए ये कहा था, अनाउंसमेंट करते हुए, कि हम इसलिए करने जा रहे हैं कि इससे हम काले धन पर पूरी तरह से रोक लगा देंगे। दूसरा उन्होंने ये कहा कि हम आतंकवादी घटनाओं को रोकने का काम करेंगे। और तीसरी और महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही थी कि जो नक्सल आंदोलन वगैरह चल रहे हैं, नक्सली आतंक जो चल रहा है, उसको भी रोकने का काम करेंगे। लेकिन जब हम देखते हैं और उसको पूरा एनालिसिस करते हैं एक साल के बाद, तो हम ये महसूस करते हैं कि आतंकवादी घटनाएं 30% बढ़ी हैं। नोटबंदी को लेकर जो काले धन पर वायदा किया गया था, वो वायदा इसलिए पूरा नहीं हो पाया है कि 99% जो पैसा था, जो कैश था, वो सारा का सारा पैसा बैंकों में चला गया है। तो सरकार कहीं भी ये बताने में कामयाब नहीं हो पा रही है कि ये नोटबंदी उसने क्यों की। फिर कहा गया कि ये कैशलेस इकोनॉमी है, फिर कहा गया ये लेस कैश इकोनॉमी है। कुल मिला के ये कि सरकार के अंदर इतना कन्फ्यूजन था कि ऐसा लगता है कि उन्होंने निशाना पहले लगा दिया और बाद में उनकी समझ में आ रहा है कि ये हुआ क्या है और उसका नुकसान देश की जनता देख रही है। सरकार का कहना है कि सारा पैसा बैंकों में आ गया है और लाखों अकाउंट जो हैं इनकम टैक्स की रडार पर हैं और जिससे काला धन पकड़ा जाएगा, तो सरकार ये तो सही कह रही है? देखिए, सरकार ने ये कहा है, ये कहा था कि हम काला धन पकड़ लेंगे। एक साल लगे RBI को ये बताने के लिए कि उन्होंने कितना पैसा उनके अकाउंट में आया है। तो सवाल इस बात का है कि ये नहीं है कि ये जो पैसा है वो सारा काला धन है, सब लोगों ने तो अकाउंट में पैसे डाल दिए हैं। अब उसकी इंक्वायरी होगी तो कब तक होगी, कितना समय उसमें लगेगा, और जितना पैसा पकड़ा गया है उससे ज़्यादा पैसा तो उसकी छपाई में और प्रोसेस में लग गया है। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है, ये ऐसा लगता है कि पूरी तरह से फेल दिखाई देती है। सर, इतना तो है, जो नोट डिब्बों में बंद थे, गद्दों के नीचे थे, वो इकट्ठा बैंकों में आ गए हैं, जिनका कोई योगदान नहीं था इस इकोनॉमी में, सर एटलीस्ट वो तो बैंकों तक पहुंच गए हैं। उससे लाभ क्या हुआ? उससे लाभ, सवाल इस बात का है कि जो नोटबंदी की गई है उसके चलते जो रोजगार के अवसर थे वो कम हो गए। जो 86% जो पैसा था मार्केट में वो कैश की शक्ल में था। जो गांव का किसान है, जो मजदूर है, जो गरीब लोग हैं, जो छोटे व्यापारी हैं, वो कैश में अपना पैसे से काम चलाते थे। हुआ ये है कि ये जो आपने कैशलेस इकोनॉमी करने के नाम पर जो पैसा आपने बैंकों में डाल दिया, उसकी वजह से जो पूरा प्रोसेस है वो रुक गया है। 1.5% जो इकोनॉमी है हमारी डाउन हुई है, और मनमोहन सिंह जी ने कहा कि 2% होगी, उससे ज़्यादा इकोनॉमी कम होगी हमारी। तो सवाल जो आपने सवाल उठाया था वो बड़ा महत्वपूर्ण है कि क्या सरकार ने जो गद्दों के नीचे, तकिए के नीचे, बिस्तर के नीचे छिपा के पैसा रखा हुआ है वो बैंक में चला गया है। तो बैंक में चला गया है वो, क्या गद्दे के नीचे या तकिए के नीचे किसी का पैसा रखा है तो वो ब्लैक मनी ही है। हो सकता है कि हमारे घरों में हमारी माएँ बहनें अब थोड़ा 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 पैसा इकट्ठा करती हैं और फिर वो शादी में, ब्याह में, बुरे वक्त में, इलाज में, दवा में, एडमिशन में इस्तेमाल होता है। तो क्या वो सारा पैसा जो कैश में पैसा है वो सारा ब्लैक है? ये बात बहुत स्पष्ट होनी चाहिए और ये मैसेज भी जाना चाहिए कि सारा जो पैसा कैश में है वो ब्लैक नहीं है, और ब्लैक ही कैश नहीं है और न कैश पूरा ब्लैक है। बहुत सारा धन ऐसा था जो सोने में, चांदी में, जेवर में इस्तेमाल हुआ, लैंड में इस्तेमाल हुआ और दूसरी जगहों पे हुआ है। सरकार इस बात को समझने में असमर्थ रही। सर, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कहा, इट्स अ मॉन्यूमेंटल मिस्टेक, इट्स ऑर्गेनाइज्ड लूट। सर, इसका क्या आधार था? नहीं, इसका आधार ये है कि मनमोहन सिंह जी केवल देश के प्रधानमंत्री नहीं है, कांग्रेस पार्टी के ही नेता नहीं है, बल्कि वो दुनिया के माने जाने इकोनॉमिस्ट हैं। और उन्होंने राज्यसभा में बोलते हुए जो आशंका जताई थी कि हमारी इकोनॉमी कम हो जाएगी, और जिस तरह से आपने इस नोटबंदी को किया है और उसके चलते जिस तरह के हालात इस देश के अंदर पिछले एक वर्षों में पैदा होने वाले हैं, वो एक तरह से एक ऑर्गेनाइज्ड लूट है। ऐसा लगता है कि आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और अटक से लेकर कटक तक देश के जो आर्थिक हालात हैं वो इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि हाँ, मनमोहन सिंह जी ने ठीक कहा था। और हाँ, मनमोहन सिंह जी ने जो कहा था वो तो कहा ही था। अब तो BJP के जो महत्वपूर्ण नेता हैं, यशवंत सिन्हा जी जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, जो वित्त मंत्री थे, उन्होंने एक बहुत बड़ा आर्टिकल लिखा इंडियन एक्सप्रेस में और सरकार को एक्सपोज किया। अरुण शौरी जी ने यह कहा कि इससे बड़ा तो कोई घोटाला ही नहीं हुआ, भाजपा के नेता हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री पे सवाल उठाया। तो सर, आप लोगों के हिसाब से ये स्कीम सही से लागू नहीं हुई, तो सर इसे कैसे लागू करना चाहिए था?
देखिए ये स्कीम सही से लागू नहीं, हम कहते हैं कि नोटबंदी का जो तरीका था वो नोटबंदी के पूरा जो प्रोसेस था वो गलत था, और इसको लागू करने की का जो प्रोसेस होना चाहिए था, या आप कोई भी रिफॉर्म करते आप इंस्टीट्यूशंस को इग्नोर करते हैं। जो अधिनायकवादी चरित्र है नरेंद्र मोदी जी का, जो फांसीवादी अधिनायकवादी चरित्र है, उस अधिनायकवादी चरित्र के चलते वो रात में आ गया और उन्होंने एक-एक अनाउंस कर दिया मित्रों कह के। हम ये कहते हैं कि आपने विपक्ष को विश्वास में नहीं लिया, आपने सबसे महत्वपूर्ण पार्लियामेंट है इस देश की, आपने पार्लियामेंट को विश्वास में नहीं लिया, और इस प्रोसेस को किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है ताकि गांव के गरीब किसान मजदूर और आम लोग इससे दुखी नहीं हो, और ये जो ट्रांसपेरेंसी का प्रोसेस है ये बेहतर तरीके से हो जाए, आपने सोचा ही नहीं और बिना सोचे समझे बिना सलाह मशवरे की इसको लागू कर दिया। अगर आप हम लोगों से बातचीत करते तो हम निश्चित रूप से उसमें सहयोग करने का काम करते। पर सर सरकार के मुताबिक तो नोटबंदी के बहुत फायदे हुए, जैसे हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारा रैंक इम्प्रूव हुआ है, और हमारे डिफेंस मिनिस्टर का कहना है कि जो स्टोन थ्रोअर्स थे उनकी संख्या जो हज़ारों में थी उसमें काफ़ी गिरावट आई है, तो और टैक्स पेयर्स भी जो थे उसमें कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है? देखिए जो बिजनेस के लिए जो रैंकिंग की बात हो रही है वो सिर्फ दो शहरों की बात है, दिल्ली और मुंबई, हिंदुस्तान की बात उसमें नहीं है, तो इसलिए उसको सरकार उसको एक नए तरह से उसको प्रस्तुतिकरण कर रही है और ये दिखाने का मैसेज दे रही है कि इसकी वजह से माहौल बहुत अच्छा है, जबकि ये सत्य नहीं। नंबर एक। नंबर दो, आपने ये कहा कि जो पत्थरबाज थे कश्मीर के उनकी संख्या कम हुई है, लेकिन बात पत्थरबाजों की नहीं थी, बात आतंकवादी घटनाओं की थी, और 30% आतंकवादी घटनाएँ पिछले एक वर्षों में पड़ी हैं। तो सरकार का जो आंकड़ा है वो हम समझते हैं कि इसलिए ठीक नहीं है कि आपने आतंकवाद के नाम पर नोटबंदी को कहा था कि कम करेंगे, लेकिन वो आतंकवाद तो बढ़ा है पिछले वर्षों में। सर कांग्रेस पार्टी का अभी सालगिरह पर एक नारा आया था, नोटबंदी ने किया प्रहार, ठप हुआ कारोबार, सर इसका क्या? इसका अर्थ बहुत साफ है और वो ये है कि पूरे देश के और अभी गुजरात जो कि बिजनेस का हब माना जाता है, आप सूरत के व्यापारियों की चर्चा बार बार होती है, चाहे नोटबंदी हो और चाहे GST हो, ये दोनों विषय ऐसे थे जिसकी वजह से पूरा जो अर्थव्यवस्था है वो गुटमुट हो गई है। लोगों की समझ में नहीं आ रहा है कि हमारी अर्थनीति को लकवा एक तरह से लगता है कि मार गया है। अब दीपावली गुजरी है, आप खुद मार्केट में गई होंगी और आपके सहयोगी और साथी और मित्र भी गए होंगे, मार्केट पूरी तरह से 70-80% कोलैप्स हो गई है, बाजार से कैश फ्लो ख़त्म हो गया है और नौकरियां लोगों की जा रही हैं, अभी 15 लाख नौकरियों का आंकड़ा आया है कि चली गई हैं। तो सवाल इस बात का है, हमने इसलिए इस बात को नारा दिया था कि ये जो जिस इस देश की अर्थनीति को और इस देश के नौजवानों के रोज़गार के अधिकार को, इन तमाम चीज़ों को इग्नोर करके सरकार ने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया है, तो इसलिए हमने इस नारे को देने का काम किया। सर कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि जो नोटबंदी पे इतनी सियासत हो रही है इसे हम गुजरात चुनाव से भी जोड़कर दे सकते हैं, सर आप इस पर क्या कहना चाहते? देखिए मैं समझता हूँ कि इस देश की हर चीज़ राजनीति से जुड़ी हुई है, और ये कहना कि राजनीति हमारी ज़िंदगी को प्रभावित नहीं करती, मैं समझता हूँ कि सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक हर चीज़ में हमारी राजनीतिक व्यवस्था प्रभावित करती है, कि चूंकि राजनीतिक व्यवस्था ने ही नोटबंदी की है, राजनीति ही हमारी शिक्षा नीति, हमारी अर्थनीति, हमारे डिफेंस की नीति, हमारी हेल्थ की नीति तय करती है। तो मैं समझता हूँ कि राजनीतिक व्यवस्था हमारे देश की और रोज़मर्रा की आंतरिक व्यवस्था को भी तय करने का काम करती है, केवल गुजरात के चुनाव के परिप्रेक्ष्य में इसको देखना मैं समझता हूँ कि ठीक बात नहीं होगी। ये देश की अर्थनीति का और देश के विकास का सवाल है, इसलिए कांग्रेस पार्टी मुख्य विपक्षी दल होने के नाते इस सवाल को जिम्मेदारी के साथ उठा रही है। सर अगर सरकार ने इतना बड़ा फैसला लिया है तो सर आपको इसमें कोई भी एक अच्छा कुछ अच्छाई नज़र नहीं आती कि कुछ फ़ायदा हुआ है देश को जो इतना बड़ा फायदा? क्योंकि इसको अगर हम यूपी चुनाव से देखें या नोटबंदी के बाद जो चुनाव हुए उसमें जो भाजपा को सफलता मिली है, तो क्या हम ये मान सकते हैं कि लोगों को कुछ फ़ायदा इसमें नज़र आया? देखिए ऐसा है कि आप किसी चुनाव के नतीजों से आप किसी पॉलिसी को ठीक नहीं कह सकते, नतीजे एक अलग चीज़ है और कोई पॉलिसी आप ले आए वो एक अलग चीज़ है। उत्तर प्रदेश के चुनाव निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा जनादेश था, लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनाव के साथ साथ पंजाब के भी चुनाव हुए थे। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल के नेतृत्व की सरकार लंबे अरसे से चल रही थी, 10 वर्षों से वो सरकार चली गई। गोवा में उसी समय चुनाव था, हमारा बहुमत आया था, अलग बात की भाजपा ने सरकार बना ली। एक दो राज्यों में और भी चुनाव था जहां हमें बहुमत आया था लेकिन भाजपा ने तोड़ मरोड़ के सरकार बना ली। तो ये कहना कि केवल चुनावी परिप्रेक्ष्य में इस पूरे दृष्टिकोण को देखना मैं समझता हूँ कि ठीक नहीं है।
अर्थनीति में भारतीय जनता पार्टी से गलती हुई है। इसको देश के तमाम बड़े अर्थशास्त्री और दुनिया के तमाम बड़े अर्थशास्त्री इस बात को स्वीकार करते हैं। सर, पर हमारे प्रधानमंत्री का कहना है कि ये एक लॉन्ग टर्म बेनिफिट की तरह देखना चाहिए, एक कड़वी दवाई है जो धीरे धीरे असर करेगी। पूरा चुनाव प्रधानमंत्री जी ने 60 साल बनाम 60 महीने के लिए लड़ा था। उन्होंने कहा था अच्छे दिन आने, मित्रों अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन का हम इंतजार कर रहे हैं, तो लोग ये कह रहे हैं कि हमारे पुराने दिन लौटा दो, वो ज़्यादा अच्छे थे। इसलिए हम इस बात को कहते हैं कि अमित शाह जी ने तो भाजपा प्रधानमंत्री जी ने तो ये भी कहा था बिहार की जनसभा में बोलते हुए 2014 में कि सबके अकाउंट में 15-15 लाख रुपये आ जाएंगे। और जब दिल्ली और बिहार के चुनाव थे तो अमित शाह जी उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उन्होंने ये कहा था कि ये एक जुमला था, ये तो चुनावी जुमला होता है जो चुनाव में एक बात कही जाती है। तो ये जो कड़वी दवाई प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं, सच में कड़वी दवाई दे दी और अच्छे दिन दिखा रहे हैं, लगता है ये भी जुमला है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थी विपक्ष की राय। अब ये जनता पर निर्भर करता है कि इसे प्रधानमंत्री द्वारा लिए गए एक साहसिक फैसले के रूप में देखता है या एक तुगलकी फरमान की तरह। धन्यवाद।